हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द कॉज ऑफ माय लाइफ के पार्ट 11। पिछले पार्ट में हमने सुना था जियान मेन को पता चल जाता है कि जान की शादी एक डिसेबल की इंसान के साथ हो गया है। ऊपर से जब वो वांग मेंशन जाता है तब इबो जान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। ये देखकर ही जियान मेन को हार्ट अटैक आ जाता है और वो उसकी डेथ भी हो जाता है। अब आगे की स्टोरी। कोरियन और इबो लिविंग रूम में बैठे हुए थे, उसी समय उन्हें एक कॉल आता है। कोरियन जो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। इबो कहता है, डैड क्या हुआ? कोरियन सहाय करते हुए कहता है, मिस्टर साहब अब नहीं रहे। इबो तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। कोरियन इबो को समझाते हुए कहता है, इबो हम सब इंसान हैं, इस वर्ल्ड में बस एक गेस्ट है, एक ना एक दिन सभी को यहाँ से जाना ही है। आज वो चले गए, कल और कोई हर इंसान को एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। इबो व्हील चेयर से अपने रूम में चला जाता है। सिसी उसके पास आकर कहती है, इबो क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा सैड क्यों देख रहे हो? इबो कहता है, आंटी जान के पापा की डेथ हो गया है। सिसी भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। इबो बहुत ज़्यादा सैड होते हुए कहता है, ये सब कुछ मेरे वजह से, मैं इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाता हूँ? अगर मैं जान के साथ ऐसा बिहेव नहीं करता तो उसके पापा कुछ भी नहीं देखते, तो ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होता। ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। मुझे लगता है मुझे जान से अपोलॉजी कर लेना चाहिए। सिसी कहते हैं, वो ठीक है, मगर वो जो हो गया वो सब पास्ट है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर तुम अपोलॉजी करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, मगर मुझे नहीं लगता कि जान कभी भी वापस आएगा। इबो कहता है, आपका क्या मतलब? सिसी कहती है, मेरा मतलब अब करेंट सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है कि जान अब वापस नहीं आएगा। अगर आया भी तो वो डिवोर्स ही मांगेगा। इबो तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो कहता है, डिवोर्स? सिसी कहती है, हाँ, क्योंकि ये शादी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जान के माँ ने पहले से ही सारी सच्चाई छुपा के रखा हुआ है उससे और उसके पापा से, जिसके वजह से आज उसके पापा की डेथ हो गई। और मेरा मानना है कि कोई शादी, कोई रिलेशन जोर से नहीं बनता, तुम्हें ये शादी तोड़ देना चाहिए। इबो कहता है, हाँ आप ठीक कह रहे, मगर सिसी इबो की बात काटते हुए कहती है, अगर तुम आइवन के बारे में सोच रहे हो तो डोंट वरी, मैं उसकी गांडमा हूँ, मैं उसके अच्छे से ख्याल रखूँगी। मेरे अलावा कोई स्ट्रेंजर इंसान उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख सकता। मैं तुम्हारी आंटी हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे पता है जेनिला ने जो भी किया वो ठीक नहीं किया, मगर इबो उसके बात काटते हुए गुस्से से कहता है, उसका नाम मेरे सामने दोबारा मत लीजिएगा। सिसी कहती है, आई एम सॉरी, मेरे दिमाग से ऐसे ही निकल गया, दोबारा उसका नाम नहीं लूँगा। इबो कहती है, ठीक है प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सिसी ओके कहकर वो स्मिक करते हुए वहाँ से चला जाता है। सिसी बहुत ज़्यादा खुश थी, वो अपने रूम में बैठी हुई थी। वेंसु उसके पास आकर कहता है, मामा क्या हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने कुछ बुरा करके आए हैं। सिसी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, मैंने इबो को कहा है कि जान को डिवोर्स देने के लिए, अब मुझे लग रहा है वो इस बारे में ज़रूर सोच रहा होगा। मैं अपनी बेटी के प्लेस पर किसी एरे गेरे को कैसे आने दे सकता हूँ? तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा स्टूपिड थी जो इतना सारा पैसा और आवन को छोड़कर कुछ पैसों के लिए यहाँ से चली गई, मगर मेरा नाम भी सिसी है। मैं ऐसे किसी को भी अलाउ नहीं दे सकता जिस चीज़ को मैंने पहले दिन से ही अपना बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। वेंसु कहता है, वाह मामा आप तो बहुत ज़्यादा जीनियस है। सिसी एक एबिल से स्माइल देते हुए फ़ोन लेकर जेनिला को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर जेनिला का फ़ोन जो स्विच ऑफ था। सिसी गुस्सा होते हुए कहती है,
इस लड़की ने भी अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। वो अंशु कहता है, मामा डोंट वरी, वो ज़रूर एंजॉय कर रहा होगा। सीसी कहती है, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसके लिए कैसे ओरिट ना हूँ। दूसरी तरफ हिबो जो लॉन में व्हीलचेयर में बैठकर मन में सोच रहा था, क्या मैं साजन को कॉल करूँ, उसे अपोलोजी करूँ और उसे बता दूँ कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूँ। इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं। जियानमिन की डेथ सेरेमनी कंप्लीट हो जाता है। कुरेन जान के घर पर बैठा हुआ था। कुरेन जान के सर को पैट करते हुए कहता है, जान अपना ख्याल रखो, अगर तुम इस तरह रहोगे तो फिर तुम भी बीमार हो जाओगे। तुम्हारे पापा इसे कभी भी नहीं चाहते होंगे तुम्हें इस तरह देखकर। जान जो एक स्टैचू की तरह सोफा के ऊपर बैठा हुआ था, वो अल्लू कहती है, अंकल प्लीज़ जान को समझाइए ना, वो कुछ दिनों से ना खा रहा है ना पानी पी रहा है, वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। कुरेन जान को समझाते हुए कहता है, जान मौत तो एक लाइफ का एक पार्ट है, हम सभी को एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है जब कोई अपना छोड़ के चला जाता है, स्पेशली पेरेंट्स। पेरेंट्स तो एक गॉड का एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो इस दुनिया का सबसे सुंदर है, जो मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मगर जान हमें इससे मूव ऑन करना ही पड़ेगा। जान मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। एक एक वो जान के सर को पैट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जान भी कोई भी मूवमेंट नहीं करता। उसी समय उसे एक कॉल करता है। जान तो उस पर नज़र ही नहीं था। कुमारलू कहती है, जान जान अपने कॉल को उठाओ, शायद कोई इम्पोर्टेंट होगा। जान बिना आईडी चेक किए हुए वो कॉल को उठा देता है। दूसरी तरफ से जो हिबो था, हिबो कहता है, मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारे पापा के डेथ के बारे में सुनकर, आई एम सॉरी। जान कहता है, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? हिबो कहता है, वो मैं तुम्हें अपोलोजी करना चाहता हूँ। जान कहता है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब ठीक है, अब मैं कॉल कट कर रहा हूँ। हिबो कहता है, रुको। जान कहता है, अब क्या? हिबो थोड़ा सा संकोच करते हुए कहता है, एक्चुअली मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। जान भी सडनली कह देता है, गुड डिसीजन, तुम मुझे डिवोर्स पेपर जल्द से जल्द भेज दो, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ये कहकर जान कॉल कट कर देता है। कुआलू कहती है, जान कौन था? जान कहता है, इबो, वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है। कुआलू कहती है, क्या क्या मतलब तुम्हारा, तुम अब वापस नहीं जा रहे हो? जान कहता है, नहीं, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। दूसरी तरफ कुरेन जैसे ही घर आता है वो इबो के पास जाता है। इबो जो खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था, इबो जैसे ही अपनी पापा को देखता है वो कहता है, पापा मुझे आपसे कुछ कहना है, मैं जान को डिवोर्स देना चाहता हूँ। कुरेन शौक होते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम तो अपने सेंस में नहीं हो। इबो कहता है, नहीं डैड, मैं पूरी तरह सेंस में हूँ, मैं जान के साथ नहीं रहना चाहता। आपने शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की थी, मगर अब नहीं। कुरेन गुस्सा होते हुए कहता है, तुम जान को डिवोर्स देना चाहते हो, ठीक है, मगर मेरे मौत के बाद। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इबो अपनी आँखों को टाइटली बंद कर लेता है और अपनी मुट्ठियों को टाइट कर लेता है। दूसरी तरफ जेनेला और हापेंग एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। हापेंग कहता है, जेनेला तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? इबो से डिवोर्स लेने के बाद तुम क्या करने वाले हो? जेनेला कहती है, मैं तो इबो से शादी करके पूरी तरह फंस चुका हूँ, वो मुझे डिवोर्स देना ही नहीं चाहता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसका क्या प्रॉब्लम है, वो मुझे मेरे लाइफ में जीने क्यों नहीं दे रहा है। हापेंग कहता है, तुम जल्द से जल्द डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते, तुम उसके साथ इस तरह नहीं रह सकते। जेनेला कहती है, हापेंग मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम इस टॉपिक पर
क्यों डिस्कस कर रहे हो? मेरे डिवोर्स लेट होने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्यों, कोई मुझसे शादी करना चाहता है? हापेंग कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जेनिला जो खाना खा रहा था वो तो उसके गले में ही अटक जाता है। वो शॉकिंग से हापेंग की तरफ देखने लगता है। हापेंग जेनिला के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, जेनिला तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई प्रोमिस मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। जेनिला अपने हाथ को हापेंग से हाथ से छुड़ाते हुए कहती है, क्या तुम सीरियस हो? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं हमेशा तुम्हें बेस्ट फ्रेंड के अलावा कुछ भी नहीं सोचा। तुम्हें पता है मैं बस इबो से ही प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोचा। मैं जा रहा हूँ, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हापेंग जेनिला को कॉल करते रहता है मगर वो तो उसके कॉल को बस इग्नोर कर रहा था। दूसरी तरफ जान डिवोर्स के बारे में वो क्रिस्टल को कह देता है। क्रिस्टल जैसे ही बात सुनती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है मगर वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इबो भी यही चाहता था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। आज क्रिस्टल बाहर जा रहा था। जान जैसे ही देखता है वो कहता है, मामा आप कहाँ जा रहे हो? क्रिस्टल कहती है, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? जान डरते हुए कहता है, मामा डार्ट के डेथ को बस एक हफ्ता ही हुआ है, आप इस तरह बाहर कैसे जा सकते हैं? क्रिस्टल गुस्सा होकर कहती है, तुम मुझे मत सिखाओ, बस डोर को लॉक करके अंदर ही रहना, मैं जा रहा हूँ और ये मेरा घर है, तुम्हारे पापा ने ये घर मुझे दिया है, इसलिए मेरी मर्जी, मैं जो करूँ, मेरे लाइफ में तुम इंटरफेस मत करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जान अंदर से डोर लॉक कर देता है। इस तरह कुछ देर बीत जाता है। जैसे ही डोर लॉक होता है जान सोचता है शायद उसके मामा वापस आ गए हैं मगर जैसे ही गेट को ओपन करता है वो देखता है जो टेरियन था। जान कहता है, तुम यहाँ से निकल जाओ। ये कहकर वो गेट को क्लोज करने ही वाला था कि डेरियन अपने पैरों को गेट के बीच में रख लेता है और अंदर आ जाता है। जान गुस्सा होकर कहता है, डेरियन मैं तुम्हारी शक्ल में नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ नहीं तो। डेरियन जान के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, तुम मेरा फेस देखना नहीं चाहते, क्या तुम भूल गए मैं तुम्हारा लवर हूँ, तुम्हारा एक्स फियांसी, तुम मुझे कितना ज़्यादा प्यार करते थे और अब तुम मेरे फेस को देखना भी नहीं चाहते। जान अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है मगर डेरियन जान के हाथ को और टाइटली पकड़ लेता है जिसके वजह से जान को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। डेरियन गुस्सा होकर कहता है, मैं भूल नहीं सकता जो उस दिन तुमने मुझे स्लैप मारा था, मैं उसका रिवेंज लेना चाहता था, तुम मुझे छोड़ के चले गए, तुम मेरे बस बन के स्वीट हार्ट हो, फिर भी तुम उस डिसेबल इंसान से कैसे शादी कर सकते हो, तुम कितना था ग्रेडी हो। उसी समय क्रिस्टल घर के अंदर आ जाती है। वो जैसे ही डेरियन को जान के साथ देखती है वो कहती है, यहाँ पर क्या हो रहा है? सडनली डेरियन जान के हाथ को छोड़ देता है और रंग बदलते हुए कहता है, जान तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे हाथ को इस तरह कैसे टाइटली पकड़ सकते हो? जान तो बस बड़ी बड़ी आंखों से डेरियन की तरफ ही देख रहा था। डेरियन क्रिस्टल की तरफ देखते हुए कहता है, जान ने मुझे कॉल किया था यहाँ पर आने के लिए क्योंकि वो घर पे अकेला है, वो मुझसे मिलना चाहता था, मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता था। जान डेरियन के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, यू बास्टर्ड तुम इस तरह झूठ क्यों कह रहे हो? मामा मैंने उसे नहीं बुलाया। क्रिस्टल जान के हाथों को डेरियन के कलर से छुड़ाकर डेरियन की तरफ देखते हुए कहती है, तुम निकलो यहाँ से, मेरे घर से अभी के अभी निकलो। डेरियन जान की तरफ इविल से स्माइल देते हुए कहता है, तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो जान जान। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जान इबो डेरियन को एक पंच मारना चाहता था
मगर क्रिस्टल उसे रोक देता है। क्रिस्टल कहती है, तुम इसीलिए डिवोर्स लेना चाहते थे जिससे तुम दूसरों के साथ फ्लर्ट कर सको। जान कहता है, नहीं मामा, वो झूठ कह रहा है, मैंने उसे कॉल नहीं किया था। क्रिस्टल कहती है, व्हाट एवर। वो जान को पोज करके वो अपने रूम में चला जाता है और जान अपने रूम में वो खिड़की के पास बैठकर वो रो रहा था। पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं पूरी तरह अकेला हूँ, अब मैं क्या करूँ? मेरी लाइफ पूरी तरह मैस हो गया है, क्या मैं वापस चला जाऊँ? मगर मैंने तो उसे डिवोर्स के लिए कह दिया था, मगर मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। मामा, मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर रहा है, यही बेटर है, मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं आज ही चला जाऊँगा। और सहाय करते हुए कहता है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, ये कहकर वो पैक करने लगता है। क्रिस्टल जैसे ही उसके रूम में आता है वो कहती है, जान तुम कहीं जा रहे हो? जान कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जा रहा हूँ, मैं इबो को डिवोर्स नहीं दूंगा। क्रिस्टल कहती है, ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है। दूसरी तरफ हापेंग जब से जेनेला को कन्फेस किया है, जेनेला बस उसे इग्नोर कर रहा था। हापेंग उसके पास आकर कहता है, जेनेला तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? जेनेला कहती है, हापेंग तुमने मुझे सडनली कन्फेस किया है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं समझता था, मगर तुमने सडनली। हापेंग जेनेला के बात को काटते हुए कहता है, मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से ही प्यार करता हूँ, मगर तुम्हें कहने से बहुत ज़्यादा डरता था क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छा नहीं है, और फिर तुम इबो से प्यार करते थे, उसके बाद तुम इबो से शादी भी कर ली, उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, मगर फिर भी मैंने ये एक्सेप्ट कर ली, मैंने अपनी फीलिंग को खुद छुपा लिया था। जेनेला कहती है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी फीलिंग को रिटर्न नहीं कर सकता, मैं बस तुम्हें एक दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं समझता। हापेंग कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारे वेट करूँगा, जब तुम माइंड अपना चेंज कर लो तब कह देना, तब भी मैं तुम्हारे सामने ही हूँगा।